दीवार का काम भी कल से स्टार्ट होगा। जो पत्थर गिराए थे बगल पड़ोसी ने नीचे, वो सारे पत्थर ऊपर ला गए हूँ। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। इस तरफ पे उन चुगलीखोर महिलाओं को बोल रहा हूँ, जो हमारे गांव में 2-3 चुगलीखोर है, चुगली की रिकॉर्ड तक है इन लोगों की। ढीली हो जाएगी तो हल लगाने के लिए आसानी हो जाएगी। ये सब्बल क्यों मुड़ा? ये सब्बल कल भी बहुत ज्यादा मुड़ा था, ठंडे की वजह से भतीजा आया था, इसलिए बहुत ज्यादा काम हुआ आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आनंदनगर के खूबसूरत घाटी फरकेज से। और मेरी तैयारी होने वाली है खेतों के लिए। खेतों में आज का फाइनल काम बचा है, तो आज हम फाइनल कर लेंगे उस काम को। फिर घर में दीवार का काम भी कल से स्टार्ट होगा। नंदनगर में भी धूप अच्छी निकली है आज, और भिंचर महादेव की पहाड़ी भी बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है। और अभी नंदनगर में हल्की हल्की बर्फीली हवा भी चल रही है। और फाइनली मैं जो पत्थर गिराए थे बगल पड़ोसी ने नीचे, वो सारे पत्थर ऊपर ला गए हूँ। और कुछ यहाँ पे रखा है मैंने, और कुछ इस साइड पे रखा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से दीवार देंगे और इस साइड से देंगे, इसको पूरा बंद कर देंगे, लगभग इतना उठाएंगे। और अभी रेता भी आ गया है, करीब 20 कट्टे रेता आ रहे हैं, और कुछ पत्थर हमारे तो यही रहे। यहाँ से बहुत सारे पत्थर यार मैंने नीचे डाले थे, और कुछ पत्थर ये लोग हमारे यहाँ पे से अपने वहाँ ले गए। अभी मैं खेतों के करीब आ गया हूँ, और आज तो क्या बोले यार, मानना पड़ेगा, है कहीं ना कहीं ईश्वर भी अच्छा ही करता है। एक ना एक दिन हर कोई रास्ते पे आ ही जाता है। अब देखते यार, पता नहीं दीवार डालते समय क्या करते वो लोग, कह नहीं सकते। बोलने के लिए तो फोन पे बहुत कुछ बोलते हैं। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे बहुत मजबूर कर दिया इन लोगों ने हथियार उठाने के लिए। अब भगवान ही देख रहा ऊपर से क्या होगा। कल का बोल भी रखा मैंने बहुत सारा उनको, कि गलती से हमारे पत्थर गिरा दिए नीचे, तो मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। कल से वैसे भी मैं दीवार का काम स्टार्ट करूंगा, और आज यहाँ का काम मुझे कोई भी हालत में कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, कितना टाइम भी लग जाए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा काम छूटा है अभी मेरा। और यार मूड तो खराब होता ही है। और एक बात मैं विशेष तौर पे उन चुगलीखोर महिलाओं को बोल रहा हूँ, जो हमारे गाँव में 2-3 चुगलीखोर है, अगर आप लोगों को मैंने चुगली करते हुए देख दिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये लास्ट चेतावनी है, आखिरी चेतावनी है तुम लोगों को। सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा कि कभी ज़िंदगी में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं, और वैसे भी अब कोई बचाने वाला नहीं है तुम लोगों को। कुछ भी कर लो, और तुम्हारी रिकॉर्ड तक है मेरे पास, चुगली की रिकॉर्ड तक है इन लोगों की। जल्दीबाजी के चक्कर में यार पानी लाना भूल गया मैं, और आज यहीं देखेंगे पानी। वैसे यहाँ है पानी, पर धारा पे तो नहीं आ रहा पानी। फाइनली मैंने करीब 1.5 लीटर आसपास पानी भर दिया होगा, इतना काफ़ी है। और आज मेरे साथ मेरा भतीजा भी आ रखा है, आज इनकी छुट्टी है, संडे है। कुछ देर पहले घर में धूप तो थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। इधर नहीं चल रही यार, इधर ठीक ठाक मौसम है, ना तो ज़्यादा ठंड है और ना तो ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल मौसम है। कल मैंने इधर से तो आधी दीवार डाल दी है, और आधी आज डालनी है, यानी कि आज पूरा करना है इस दीवार को कोई भी हालत में। अभी मैं खेत में आ गया हूँ, और आज भी बहुत सारा काम है ही खेत का। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, दीवार पे हम मसाले का यूज भी करेंगे, कोरी चिनाई नहीं करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अब लग जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि काम करना भी बहुत ज़रूरी है खेतों का। और कल परसों से शायद से मुझे लग रहा हल लगाना भी स्टार्ट करने वाले हमारे यहाँ के लोग। और हमारा तो पता नहीं यार, जैसे ही बारिश होगी खेत की मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो हल लगाने के लिए आसानी हो जाएगी। और भतीजा भी लग गया है काम पे, इसको मैंने छोटा काम दे रखा है, मैंने कहा ये जो छोटे पत्थर हैं इनको कट्टे में रख, फिर दीवार में डालेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा। और मैंने कल यहाँ औजार छुपाए थे, इस बार पता नहीं मेरे से ये सब्बल क्यों मुड़ा। ये सब्बल कल भी बहुत ज़्यादा मुड़ा था, बहुत मेहनत से मैंने फिर सीधा भी कर दिया था इसको। खेत में अभी हमने बहुत सारा काम कर दिया है। आज मैंने कह रखा था कोई भी हालत में यहाँ का काम मुझे फाइनल करना है, तो आज फाइनली कर दिया मैंने। ये बना दी मैंने पूरी दीवार, और इस पर भी काफ़ी टाइम लगा यार, करीब मेरा 2 दिन लगा लो, 2 दिन पूरा लगा, क्योंकि मैं कल शाम को भी आया था। और ये वाला पत्थर है, इस पत्थर को रहने देते हैं, क्योंकि ये अंदर है बहुत ज़्यादा, इतना चलता है, आ भी नहीं रहा, बहुत बड़ा है, वैसे निकालने को तो निकाल देता मैं। और इधर साइड के सारे पत्थर हटा दिए।
इस साइड भी बहुत बड़े पत्थर था, और ये वाला पत्थर है इसको देखेंगे यार, इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आज संडे की वजह से भतीजा आया था इसलिए बहुत ज़्यादा काम हुआ आज, अकेले मैं नहीं हो पाता यार, क्योंकि भरान भी भरना है, पत्थर भी रखना है, चिनाई भी करनी है, बहुत चीज़ है। कुछ टाइम बाद मम्मी लोग भी आ जाएंगे, अब वही करेंगे पूरा खेतों का काम। मेरा जितना काम था मैंने कंप्लीट कर दिया। पहले टाइम पे नानी लोग और मम्मी लोग इस दीवार को बार बार बनाते थे, और लोग क्या कर देते थे, तोड़ देते थे। उस टाइम उन लोगों ने मतलब छोटी दीवार बनाई, ऊंची नहीं बनाई। इस बार तो मैंने ऊंची दीवार बना दी, और इसमें सारे हैवी हैवी पत्थर लगे हैं। आप लोगों को बाहर से छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से लंबे मोटे बहुत ज़्यादा हैं, तो बाहर से ऐसे लगते हैं। और अभी मौसम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, आसमान भी पूरा चंपत हो गया है बादल से, सूर्य भगवान भी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा। अब घर की तैयारी है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई। आज करीब हमने 2 घंटे में कंप्लीट काम कर दिया था। उधर वाले खेत में भी मैंने कम से कम एक पत्थर तोड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर था, तोड़ दिया और उधर नीचे ही डाल दिया। अगर बाद में पगार निकालेंगे तो वो कुछ पत्थर जो वहाँ फेंक रखे उससे वहाँ पे चिनाई कर देंगे।